नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं कृष्णमूर्ति की है, थॉट ब्रीड्स फियर। विचार डर को पैदा करते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे जो कृष्णमूर्ति की इनसाइट है वहाँ पहुँच रहे हैं। अब तक जो भी पढ़ा हमने 2-3 वीडियोस में, वो उन्होंने एक सेटअप बनाया है। उन्होंने बताया कि दुनिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो, उससे पहले देखिए, इसको पहचानिए। अगर नहीं देखेंगे डायरेक्टली तो आप रिपेयर कैसे कर पाएंगे। तो देखने के लिए कहते हैं आप सभी विचारधाराओं से, सभी अथॉरिटीज से अलग हो जाइए, अपनी आँखों से देखिए। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब भी लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं तो उसकी हेरिटेज के बारे में बात करते हैं, इसके पास्ट के बारे में, कि पास्ट में कितना अच्छा था, कितना लोग यहाँ पर कल्चरल थे। जब भी आप, अभी तो एक कंट्री की बात कर रहे हैं, जब भी आप अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या कोई आदमी अपने पास्ट के बारे में खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है, ऐसा होता होगा बहुत बार। बहुत बार क्या, अक्सर होता है। हम जब भी कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन पास्ट के बारे में होती है, हमारी कोई भी कंप्लेन फ्यूचर के बारे में नहीं होती। इनफैक्ट जब फ्यूचर के बारे में भी डरते हैं तो भी पास्ट से निकला हुआ डर है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं हम लोग पास्ट के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के बोलते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। ये एक तरह का नशा है। बोलते हैं वो सब हटाओ, पास्ट को हटाओ। और ये थी कृष्णमूर्ति की जो बात, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट। कृष्णमूर्ति ने दो वर्ड्स का यूज़ किया है अपनी बात को समझाने के लिए। एक है व्हाट इज़ और एक है व्हाट शुड बी। अब देखिए, हम लोग मन में कुछ सोच रहे हैं, कोई ऐसा डरावना थॉट लीजिए, कोई भी एक थॉट जो डरावना हो आपके लिए। वैभव, आपके लिए कोई डरावना थॉट? डरावना थॉट वो काम करने लग जाऊं जो मुझे करने का मन ही नहीं है। हाँ, मान लीजिए आपको बैंगलोर भेज दिया जाए, बैंगलोर जाकर के पढ़ाई करना पड़े, तो डरावना है। वो फैक्ट है कि वो शुड बी है, फैक्ट है वो। अच्छा, जो अभी तक नहीं आया है तो वो फैक्ट कैसे होगा? ये बहुत अच्छा किया आपने, बिकॉज ये ऐसा थॉट है जो आपको डराता है। आपने एक्सपीरियंस भी किया जाकर वहां पे, राइट? जिस समय आप मैथ्स कर रहे होते हैं उस समय डर लगता है? नहीं। लास्ट कब डरे थे आप बैंगलोर में जाकर के? किस दिन डरे थे आप वहाँ? एक महीने रुके थे, तो कौन से दिन डरे थे? पहले ही दिन डरा था, उसके बाद डर कम होते गया। लेकिन फिर उसके बाद फिर तब डर लगा था जब अमन में बैठा के फिर ज्ञान देने लग गए थे कि तुमको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब अमन ने आपको ज्ञान देना शुरू कर दिया तो आपको डर लगा। तो जब कोई आदमी ज्ञान देता है तो डर किस चीज का लगता है, फैक्ट का या शुड बी का? शुड बी मतलब ये होना चाहिए। हाँ, शुड बी मतलब यार तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम फेल हो जाओगे। फैक्ट भी है, शुड बी भी है, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। अगर आप डर रहे हैं तो आपके मन में शुड बी भारी है। अगर डर रहे हैं तो देखिए, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो तो फैक्ट है, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप फेल होंगे, आपकी लाइफ मिजरेबल होगी, ये फ्यूचर है, ये शुड बी है। अभी मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी होगी तो मेरा ये होगा, ये शुड बी है। अगर ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से, तो हमारे मन के अंदर में जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा उसके ऊपर बाहर जब वो गंदगी इकट्ठा करता है चलने फिरने से, तो उसको आप धो सकते हैं, आपको पता चलता है ये कचरा है, ये कपड़ा है। अगर सफ़ेद कपड़ा हो तो आसानी से मालूम पड़ जाता है, मटमैला कपड़ा है, काला कपड़ा है, तो मैल पता नहीं चलती। मन के अंदर में भी शुड बी और व्हाट इज फैक्ट के बीच में डिफरेंस बहुत मुश्किल से मालूम पड़ता है। जो शुड बी है वो है
कचरा, वो है दुख का कारण, वो है कन्फ्यूजन। वो जो लड़का कल फ़ोन किया था, वो डर रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई ऐसा तरीका है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये शुड बी हर समय, जैसे ही आप डरते हैं शुड बी आ जाता है कोई एक ऐसा थॉट। और थॉट्स के साथ एक बड़ी टेढ़ी चीज़ है ये, अगर मैं पेन पकड़ा हूँ ना तो मेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस कैची को पकड़ूंगा और यहाँ पर टच करूँगा तो मेरे उंगलियों में दर्द करेगा, और अगर मैं यहाँ पर इसे हाथ चलाता हूँ तो हाथ कट भी सकता है। थॉट्स के साथ भी यही है, आपको एक विचार को पकड़ करके मानना होगा तभी वो विचार आपको परेशान कर सकता है। अब यहाँ पर बैठ करके सोचिए, मैं नहीं हूँ, मेरी जगह पर पापा जी हैं, और उनके मन में ये बात है कि मेरे बेटे को, वैभव को, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना ही चाहिए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैक्ट क्या है, उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है या नहीं, वो फेल हो सकता है, वो किताब खोलते ही नींद आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने किसको पकड़ के रखा है कि मेरे बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। वो देख रहे हैं आपको, देखते हैं तो आप नहीं दिखते, वो एक बड़ी सी गूगल कंपनी में जाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखता है। इसीलिए थ्री इडियट फिल्म में वो बोलता है बच्चा पैदा नहीं हुआ, उस पैदा होते बच्चे को बोलता है फुटबॉलर बनेगा तू, इंजीनियर बनेगा। उसके बेटे ने, वायरस के बेटे ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके बाप का प्रेशर पड़ गया था, इसको पेरेंटल प्रेशर था। ये प्रेशर कहाँ से आता है? शुड बी से, फैक्ट से नहीं आता। फैक्ट तो ये, हर आदमी एंजॉय करना चाहता है लाइफ को, लेकिन इसी मन में एक कोने में खूब कस के पकड़ लेता है शुड बी, मुझे ऐसा होना चाहिए मेरे माँ बाप के लिए, चाहे सोसाइटी के लिए, मेरे ऊपर कितना बोझ है, मेरे पूरे परिवार का बोझ है। तो एकदम पकड़ कर ऐसा आता है ऐसे कि कोई रस्सी से गले में बांध दिया हो और वो 24 घंटे खींच रहा है। जिस दिन मुझे समझ में आया था शुड बी, बहुत हल्का हो गया था, मैंने अपने आप को बताया अच्छा ये सब चीज़ मेरा मन कहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कोई मजबूरी नहीं है, आराम हो गया। थॉट्स का पकड़ बहुत मजबूत होता है, लेकिन खास बात यह है कि थॉट्स हमको नहीं पकड़ते, हमको लगता है कि थॉट्स हमको पकड़े हैं, लेकिन हमने ही थॉट्स को पकड़ा है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं जो बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पर लोगों ने हज़ारों लोगों को मार डाला, किस उम्मीद में कि एक आइडियल, एक समाज बनेगा, एक खूबसूरत समाज बनेगा, एक खूबसूरत समाज जो भविष्य का समाज है उसको बनाने के लिए आज ढेर सारे लोगों को कत्लेआम कर दिया। वो सब की सब इस आइडिया पर बनी है कि भविष्य कैसा होना चाहिए, और इस तरह के ढेर सारे रेवोल्यूशंस करने के बाद, लाखों लाखों लोगों को मारने के बाद, इनको अब समझ में आ रहा है कि आइडियोलॉजी हमको पसंद नहीं है, थक गए हम आइडियोलॉजीज से। आइडियोलॉजी समझते हैं, आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजी मतलब हाँ कोई ट्रेडिशन, किसी आइडिया पर समाज चलने वाला, उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। तो इसका मतलब ये है, कृष्णमूर्ति बोलते हैं आप लोग अब आइडियोलॉजिस्ट तो है नहीं, आप लोग लीडर्स नहीं हैं, आपको कोई बैठा नहीं है बताने के लिए कि आपको क्या करना है। जब सरिता की डेथ हुई थी ये शब्द मेरे दिमाग में नहीं चल रहे थे, बट मुझे ये लग रहा था कि मैं अकेला हूँ और अब मुझे कुछ करना है। उस समय मेरे आँख के सामने मेरा छोटा भाई शराब पीता था और मैं कुछ नहीं कर पाता था। मैंने पहली बार जिनोगा उठाया, लाइब्रेरी में से लेकर आया और उसको समझा के चला जाता था मैं नौकरी पे। मेरी नौकरी थी फरीदाबाद, मेरा भाई था गाज़ियाबाद, करीब 100 किलोमीटर की दूरी। यहाँ उसको एक दिन समझा बुझा के चला गया नौकरी पे, फिर एक हफ्ते बाद आया, पता चला वो शराब पी रहा है, कभी पेड़ के नीचे पाया जा रहा है, कभी ऑफिस नहीं जा रहा है। तो उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया था, मुझे कुछ समझ में ना आए, तो मैं अकेला था, कोई मुझे बता नहीं रहा था मुझे क्या करना है, और मुझे एक्ट करना था।
तब जिनोगा आई और मेरे मन में हल्का सा एक समझ आया कि मैं किस चीज़ को मेरा इमोशन है और कौन सा चीज़ मेरा इंटेलिजेंस है। और फिर मैंने डिसीजन नहीं लिया, ये क्लियर हो गया था कि मैं वापस जाके जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि जॉब करूँगा तो नौकरी चलेगी, लेकिन यहाँ रहूँगा तो मेरे भाई के साथ रहूँगा, उसकी जान बच सकती है। बीमार नहीं था वो, पर धीरे धीरे वो शराब पी रहा था, तो मैंने छोड़ दिया जॉब। हम लोग हमेशा देखिए जब भी प्रॉब्लम में होते हैं ना, दूसरों से पूछते हैं क्या करना चाहिए। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं तुम्हें अपने आप को एक इंसान की तरह अकेले बिना किसी सपोर्ट के खुद सोचना होगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे इनके साथ एक्ट किया जाता है, इसमें किया क्या जाता है। और जब भी एक्ट करें तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मेरे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं था जब मैंने जॉब छोड़ा था। कल मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भैया एक पुरानी जॉब है उसको मुझे छोड़ने का मन है, छोड़ूं कि ना छोड़ूं, नई वाली का इंटरव्यू दे दिया है, वहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन छोड़ूं कि ना छोड़ूं। तो उसको क्या था, कन्फ्यूजन था। उसने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया छोड़ दो, नई नौकरी ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरे पास कहाँ से आया क्लैरिटी, मैंने सोचा एज इंडिविजुअल, अकेला इंसान की तरह, एक मन के अंदर में एक इंटेलिजेंस है, एक ऐसा कमरा है जहाँ पर जाकर आप बैठ जाइए तो हर चीज़ साफ साफ दिखती है। तो मैंने वहाँ से उसको आंसर दिया, लेकिन वो मेरे ही मन में ऐसा नहीं है, सबके मन में है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं अगर आप ऐसा करेंगे, आपके मन के अंदर में ढेर सारे आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को बोलते हैं वो रेगिस्तान, वो चलते रहते हैं, थॉट्स, हेल्प बिल्कुल नहीं करते। और उसी के बीच में एक है ओएसिस। ओएसिस समझते हैं, ओएसिस मतलब रेगिस्तान में कहीं पर थोड़ा सा पानी हो, अच्छा, थोड़ा सा पेड़ हो, उसको बोलते हैं ओएसिस। जब तुम क्लैरिटी से सोच पाते हो, अकेले एक्ट करते हो, तो पूरी दुनिया कन्फ्यूज होती है, लेकिन तुम होते हो ओएसिस। तुम्हारे पास जब लोग आते हैं पूछते हैं, तुम एक क्लियर झील की तरह होते हो, उनकी प्यास बुझाते हो। क्या तुम जानते हो, कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं, ओएसिस क्या होता है? ओएसिस एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, पानी होता है और थोड़ा बहुत रिहायश होती है। कहाँ पर? आसपास में दूर दूर तक जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ कुछ और नहीं है, बस कन्फ्यूजन है और रेत है। हम सबको एक ओएसिस होना पड़ेगा। ओएसिस समझते हो, रेगिस्तान वो पानी की झरने जैसा। सब पता है तुम्हें यार, बोलते हैं आपको खुद एक ओएसिस होना पड़ेगा। आपके मन में ढेर सारे थॉट्स हैं, कन्फ्यूजन है, उसके बीच में एक पॉइंट है क्लैरिटी का, ताकि हर किसी को वो ओएसिस होना पड़ेगा, ताकि आप फ्री हो, खुद क्लियर हो, ताकि आप कभी कन्फ्यूज ना हो और आप एक्ट कर सकें, आप कर सकें कुछ। और जब आपको कुछ करना हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, मेरा मन कर रहा है आज ये खाऊंगा ना, अपने गुस्से, अपने इमोशन से ना करें, या किसी परिस्थिति की मजबूरी से ना करें, आप अपनी क्लैरिटी से करें। बट वो एक्शन किसी पर्सनल इंक्लिनेशन से, डिज़ायर से नहीं आना चाहिए, गुस्से से या इमोशन से नहीं आना चाहिए, और किसी मजबूरी से नहीं आना चाहिए। अर्जुन भाग के जाना चाहते थे ना, वो अपने पर्सनल इंक्लिनेशन से, टेम्परामेंट्स, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, मेरा मन कर रहा है ये खा लूँ, मुझे लगता नहीं कि इसको खाने से मैं मोटा होऊंगा, एसी चलाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठंडा पानी पीने से कुछ दिक्कत नहीं होती, वो स्वाद है, इंक्लिनेशन झुकाव है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं आपकी लाइफ में रोज बहुत बड़ा चैलेंज है, जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है, और आप इसको ऐसे जवाब ही नहीं दे सकते कि भाग जाए वहाँ से। ये आपका ही दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा, आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, आसपास देखना पड़ेगा। आप अकेले हैं, आपका परिवार आपका आपका है, इसलिए आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप अपने लिए क्या करेंगे। इसीलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, समझने के लिए कि हम इस ज़िंदगी में क्या करें। अपने आप को बोल रहे हैं स्पीकर, कि जो स्पीकर है वो आपको नहीं बताएगा आपको क्या करना है, क्योंकि स्पीकर के हिसाब से अथॉरिटी बकवास होता है। कोई आदमी आपसे ज़्यादा समझदार है वो आपको समझाए, इस बात पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। और फिर भी मैं बता दूँ कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इस दुनिया में ढेर सारे लोग आए, सिखाया, और उस सिखाने से केवल कन्फ्यूजन ही बढ़ा, अनंत दुख, ढेर सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन। बोलते हैं अगर आप मुझे फॉलो करेंगे
तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बेवकूफ़ लोग दूसरों को फॉलो करते हैं। तो अगर मन के अंदर से आपने ये छोड़ दिया कि आप बताइए सर मुझे क्या करना है, आपने अथॉरिटी को छोड़ दिया, तो फिर ठीक है, आइए साथ में सोचते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और जब भी कुछ खोजना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, खाली बॉडी में नहीं मन की एनर्जी चाहिए। आपको पता है कृष्णमूर्ति पूरी ज़िंदगी एक कप चाय या एक कप कॉफ़ी नहीं पिए, कभी नहीं पिया उन्होंने, क्योंकि वो बोलते थे मुझे बिना नशे का अवेयरनेस चाहिए। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं आपको एक ऐसा ब्रेन चाहिए जो खूब एक्टिवली काम करता है, ऐसा ना हो जाए कि आपका दिमाग किसी चीज़ को कर करके रिपीट कर करके डल हो गया हो। इस चीज़ को कभी देखिएगा, एक दिन अपने पूरे माइंड को फ्रेश रखिए बिना किसी टीवी, बिना किसी बातचीत से, और देखिए आपका माइंड कितना ताजगी में रहता है, अवेयर रहता है। तब आपको पता चलेगा रिपीटेशन की वजह से कितना दिमाग डल हो जाता है। अब सुनिए कृष्णमूर्ति हम लोग को एक सीक्रेट बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे माइंड में क्यों हम थके होते हैं, क्यों हम कन्फ्यूज्ड होते हैं। जब हमारे ब्रेन में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन समझते हैं, घर्षण, झगड़ा, लड़ाई, कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। बोले रुकिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसको ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको चुपचाप मान मत लीजिए, कि अगर मेरी बात सुन लिया और आपने मान लिया उसका कोई मतलब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं हम सब चाहते हैं कि हम फ्री हो, किसी टाइप की फ्रीडम नहीं, कि हमको पैसे की गरीबी से फ्रीडम मिल जाए, शरीर की बीमारी से फ्रीडम मिल जाए, या हम किसी के साथ फंसे हुए हैं उससे फ्रीडम मिल जाए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो बाहर की दुनिया का फ्रीडम है, ये अंदर की बात कर रहे हैं। टोटल फ्रीडम होता है जब आप अपने सेक्शन 2B, 3 और 4 को पहुंच जाते हैं, जब आप पूरी तरह से फिजिकल बॉडी से फ्री हो जाते हैं। इसको कृष्णमूर्ति बोला करते थे टोटल फ्रीडम। देखिए ध्यान से सुनिए, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं हमको एनर्जी चाहिए, खूब एनर्जी चाहिए। आप सोचते होंगे कि हमको मन के अंदर में ना कुछ बड़ा करना है, एक क्रांति करनी है अपने मन में, या एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन करना है, एनलाइटेंड होना है। ना 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 ना, बोलते वो तो बात की बात है, अभी आपको एनर्जी चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये ऐसे सोचिए जैसे कि आपको दो टाइप की एनर्जी चाहिए होती है। एक एनर्जी चाहिए होती है जब आपका सारा काम हो गया और आपको सेलिब्रेट करना है, पार्टी करनी है, एनर्जी चाहिए। लेकिन वो तो बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अभी अंधेरा है और घर में आप खोज रहे हैं कहाँ पर सामान रखा हुआ है, तो उसके लिए लाइट चाहिए, बैटरी चाहिए। ऐसे ही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं आपको एनर्जी चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, टू लुक एट, टू एक्ट। अभी आपके मन में कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। इसीलिए वो रोज़ सुबह 1 घंटे योगा करते थे कृष्णमूर्ति, फिजिकली योगा करते थे वो, रोज़ कम से कम 10,000-15,000 स्टेप्स वॉक करते थे वो रोज़, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती थी। और एक बात और, अपनी एनर्जी को बचाइए। कहाँ कहाँ से बचाइए? सबसे पहले तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है, तो वह एनर्जी वेस्ट होगी, होता है। कभी बड़ी मम्मी से बहस होती है तो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। अगर दो इंसान के बीच में, भाई भाई, भाई बहन, किसी भी दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आप अपने आप को एक कम्युनिटी का बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ, और दूसरी कम्युनिटी के साथ आपकी फ्रिक्शन चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो एनर्जी वेस्ट होगी। अगर आप एक देश से हैं और आपका दूसरे देश से लड़ाई चल रही है, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। और वो एनर्जी कहाँ वेस्ट होगी? बॉडी की एनर्जी भी वेस्ट होगी और आप मन के अंदर भी थकेंगे। तो जब तक आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा किसी भी तरह का, चाहे कितना भी सटल, एक छोटी सी बात है बस, आप किसी को देखें, बहुत छोटी सी बात है, और उस आदमी के पास एक नई स्कूटर आ गई, बाइक आ गई, नया फ़ोन आ गया, और आपके मन ने उस बात को पकड़ लिया, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। दुकान में हजारों फ़ोन रखे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग उसको कभी पकड़ता ही नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक लड़का काम करता था और उसके पास मेरे से बेहतर नौकरी है, उसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर दिया जो मैं करना चाहता था, तो ये चीज़ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। और कॉन्फ्लिक्ट मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी,
एनर्जी वेस्ट हो रही है। और जब आप फ्री होंगे ना, वो केवल तभी होगा जब आप अपने समिट ऑफ एनर्जी पे हैं, जब आपने ढेर सारी एनर्जी इकट्ठी की है, इन्वेस्टिगेट करें, एनर्जी खूब इकट्ठी की, इन्वेस्टिगेट करें, तो आप पहुंच जाते हैं शिखर पे, पीक पर, समिट ऑफ एनर्जी। जब आपकी एनर्जी पूरी भरी होती है, तब होता है फ्रीडम। टोटल फ्रीडम की बात कर रहे हो, सारे आइडियाज से फ्रीडम, सेक्शन 2, 3 और 4 पहुंचने के लिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के पास जो ब्रेन में एनर्जी बची होती है, वो ऐसा है जैसे कि सब खाना पीना खा लिया, जूठा बर्तन में जो खाना बचता है वही खाना हम यूज़ करते हैं फ्री होने के लिए। अच्छा बताइए पापा जी, आज स्पिरिचुअल क्लास में क्या बता रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा किया बता दिया, कल फिर आप बात करेंगे, अब जा रहे थोड़ा टीवी देखने के लिए, और थोड़ा सा बहन से लड़ाई हो गई, वही बात करना है, आप कल आ जाइएगा, आज टाइम नहीं है। इसीलिए बुद्ध जैसे लोग घर बार छोड़ करके अपनी एनर्जी बचाने के लिए जाते थे, ताकि किसी से कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो। किसी देश के लिए वो नहीं थे, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं थे, अपने हस्बैंड नहीं थे, बाप नहीं थे, वो एनर्जी बचाने के लिए कर रहे थे। क्योंकि जब एनर्जी इकट्ठी होगी और उसका पीक पहुंचेगा, तभी पॉसिबल होती है फ्रीडम। और किस चीज़ को देखना है, शुड बी, उसके दिमाग में क्या आया, उसके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास होना चाहिए, उसके पास ऐसी नौकरी है, मेरे पास होनी चाहिए। बुद्ध बहुत गरीब जिंदगी जीते थे, 4 कपड़े लेके भिक्षु की तरह रहते थे, उनको कभी शुड भी नहीं आता था, या आता था तो उसको देख लेते थे। ये शुड भी दिमाग के अंदर चुपके से घुस जाता है, जैसे इन्फेक्शन, जैसे नाक बंद हो जाती है सर्दी में, ऐसे दिमाग बंद कर देता है। और अगर इसको अवॉइड करना है, शुड भी ना आए, अगर आ गया है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, उसको केवल देख सकते हैं और देख करके उसको साफ कर सकते हैं। जैसे आपने दरवाज़ा खोला, घर में कचरा आया, तो उस कचरे को आप बाहर से अंदर आने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने कचरे को देख करके साफ कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं, अच्छा, ठीक है, मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं वैसा काम करूँगा, ठीक है, ऑब्जर्व कर लीजिए और उससे फ्री हो जाइए, ये जान जाइए कि ये शुड बी है।